नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एक और हिल स्टेशन के बारे में बताता हूँ, जिसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी। दोस्तों एक साउथ में एक हिल स्टेशन है कोडाईकनाल, जो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैं बताता हूँ कैसे इस हिल स्टेशन में पहुँचें, कैसे हिल स्टेशन में जाएँ और क्या क्या वहाँ आपको घूमना। दोस्तों उससे पहले मैं ये सब आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको कोडाईकनाल के बारे में बताता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मदुरई तमिलनाडु में है, जिसका नाम है कोडाईकनाल। जैसे कि इसके नाम से ही है कोडाईकनाल, कोडाईकनाल मतलब होता है कि जंगलों का तोहफा। जैसे कि और इसका नाम और जगह से ही इसकी पहचान होती है, जंगलों का तोहफा। तो आपको यहाँ मिलेंगे जंगल, पूरे ये पश्चिमी घाट में स्थित है, क्योंकि पूरे चारों तरफ चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं बड़ी बड़ी। बीच में एक सुंदर सी झील है, बिल्कुल हरे भरे पेड़ और अलग अलग चट्टानों की जो फॉर्मेशन है, जिससे यहाँ जगह जगह पर झरने। और ये जगह आपको इतनी अच्छी लगती है कि यहाँ पर साल भर इसका खुशनुमा मौसम टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप यहाँ किसी भी समय जा सकते हैं, स्पेशली जब पूरे नॉर्थ इंडिया में या साउथ में गर्मी अपने चरम पे होती है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री मिलेगा। और इसकी जो वाटरफॉल्स हैं वो पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं, और जो इसकी बनावट है वो भी इतनी सुंदर है दोस्तों कि आप इस जगह को जाके ज़िंदगी भर इसकी मेमोरीज अपने साथ ले जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पहुँचें, कैसे ये जाएं और कितना यहाँ जाने में खर्च आएगा। ये जगह थोड़ी सी दूर है, जो लोग नॉर्थ से ट्रैवल करना चाहते हैं यानी अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, उनके लिए ये जगह दूर हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पहुँचने के जो सबसे अच्छे दो तरीके हैं वो है या तो फ्लाइट से या आप ट्रेन से आप आ जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये साइट है, जैसा मैंने आपने मेरे और भी वीडियोज़ देखे होंगे, वहाँ पर आपने मैंने बताया है indiainfo.help/travel एक साइट है जो आपको बताती है एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया मुंबई और यहाँ सेलेक्ट किया कोडाईकनाल। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ऑप्शन दिखाई देने पर यहाँ आप सबसे पहले सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिंगल जा रहे हैं, कपल जा रहे हैं। मान लीजिए आप कपल जा रहे हैं, दो लोग जाना चाह रहे हैं, और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। दो दिन के लिए आप जा रहे हैं और आप जा रहे हैं मुंबई से। हम क्योंकि ये साउथ के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मैंने मुंबई का उदाहरण लिया है। दूसरी सिटीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो इस पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी जगह जाना होता है तो ट्रैवल मोड क्या होता है, किन किन तरीक़ों से वहाँ आप पहुँच सकते हैं। अब मुंबई से इसकी दूरी जो है वो हमने देखा 1400 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो 1400 किलोमीटर कार से ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो 23 घंटे का सफ़र लगेगा और लगभग 7200 रुपये वन वे आपके लगेंगे एक तरफ के। आना जाना करना है तो इसका डबल कर लीजिए और कुछ और खर्चे। तो कार मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत वाइबल ऑप्शन नहीं है। बस भी नहीं है मुंबई से कोडाईकनाल के बीच, कोई डायरेक्ट बस सेवा नहीं है। तो बस भी अब तो आपके पास तो सबसे वायबल जो ऑप्शन है वो फ्लाइट और ट्रेन। तो जो फ्लाइट है दोस्तों, मदुरई सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है, तो मदुरई तक जा सकते हैं। मदुरई से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर ये जगह है, तो वहाँ से आपको टैक्सी और मिल जाएंगे और बसेस भी चलती हैं। तो वहाँ से आप कनेक्टिंग टैक्सीज ले सकते हैं, बसेस ले सकते हैं, उससे जा सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपका खर्चा इतना आएगा 4000 रुपये। आप 2 महीने पहले अगर बुकिंग कर लेते हैं, अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। एडवांस में आपको सस्ता पड़ेगा, करंट बुकिंग करते हैं तो 10000 रुपये के आसपास की टिकट हो सकती है। तो ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पे इसकी प्राइस अपडेट होते रहती है, तो ये यहाँ पे आपको टोटल प्राइस बताता रहता है। और ऐसे ही आप चाहें तो ट्रेन भी है, जो कोडाई रोड लास्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ तक आप ट्रेन ले सकते हैं। और ट्रेन की ये अलग अलग प्राइस है, स्लीपर में, एसी में, सेकंड एसी में, और ये सब चीज़ें अलग अलग प्राइस हैं। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे आपको वो यहाँ पर प्राइसिंग यहाँ पर अपडेट हो जाएगी।
इसी प्रकार से दोस्तों, अगर कोडाईकनाल जा रहे हैं तो वहां जाने में आपके खाने का कितना खर्चा आएगा? अगर आप दो लोग हैं, 2 दिन के लिए हैं, तो 2 लोग का 800 रुपया एक दिन का खर्चा आएगा, और 2 दिन का, तो यहाँ पे ये खर्चा सारा अपडेट। इसी प्रकार से होटल्स सीजन में जा रहे हैं तो आपको एक बजट होटल 1500 में मिलेगा, इकोनॉमी 2200 में, लग्जरी लगभग 500 में। तो अगर आप इकोनॉमी सेलेक्ट करते हैं, 2 लोग आराम से उसमें रह सकते हैं, तो 2200। तो आप देख सकते हैं आपका खर्चा 9000 के आसपास पहुंच चुका है अभी तक आपका ट्रैवल, फूड और होटल का 2 दिन का। तो मेनली खर्चे ये तीन ही होते हैं, किसी जगह आप जाते हैं, आपका आना जाना, आपका फूड, आपका होटल, तो ये सब होता है। उसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट की आप टैक्सी लेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, साइट सीइंग करेंगे, उसका खर्चा हो गया, तो उसका 1500 रुपये आपका वहाँ पर खर्चा आएगा। एडवेंचर, एडवेंचर मान यानी कि आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप हो सकता है हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ खर्चे होते हैं जो हर हिल स्टेशन पे रहते हैं, तो ये भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। यूजुअली हम इन खर्चों को नहीं इंक्लूड करते हैं या पैकेज में नहीं करते हैं, और जिससे हम अपना बजट प्लान नहीं कर पाते। अगर आपको इन इन चीज़ों को नहीं करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ, आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों ये था आपका मदुरई तक, आपका कोडाईकनाल तक मुंबई से पहुंचने का खर्चा, वहां पर रहने का, होटल का और लोकल ट्रांसपोर्ट का 10000 रुपये आपका खर्चा पहुंच चुका। अब दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी जगह कोडाईकनाल में आपको घूमनी है, और क्यों कोडाईकनाल इतना प्रसिद्ध है लोगों के बीच में। ये साउथ का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ की झीलें जो हैं मैनमेड झीलें, मतलब ये कोई प्राकृतिक झीलें नहीं है, बनाई गई झीलें हैं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध झील है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो दोस्तों एक वहाँ पर जैसे ही आप कोडाईकनाल पहुँचेंगे तो एक बायरेंट पार्क करके बहुत बड़ा पार्क है, जो बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के बीच में। कोई भी अगर टूर पैकेज होता है तो इसमें आपको गाइड यहाँ ज़रूर ले जाएगा। इस पार्क की खूबसूरती अपने आप में देखने लायक है, इतने अच्छी से मेंटेन गार्डन है, पेड़ों की कटिंग बहुत अच्छी से की गई है, बच्चों के खेलने के लिए इतनी जगह है, और फूल लगे हुए हैं अलग अलग रंगों के। आप फोटोग्राफी के लिए ये सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन है, और एकदम झील के किनारे आप यहाँ पर बैठ के झील का चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। और कई बार इस पर जब नए पौधे लगाए जाते हैं तो उसकी भी आप प्लांटेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है 60 रुपीज आपकी पड़ेगी, दो, क्योंकि ये सारी प्राइसिंग 2 लोग के हिसाब से आ रही है, तो 30 पर पर्सन, तो 2 लोग के हिसाब से हो गई। तो यहाँ पे तो ये जो ये है, ये अपडेट आपका यहाँ पर होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्राइसिंग यहाँ अपडेट हो रहा है, यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ अपडेट हो रहा है। तो ये कैलकुलेटर है जो आपको बताएगा कितना खर्चा है। आप कोडाईकनाल जाएँ दोस्तों, इसके बाद कोडाईकनाल में जाएं और वहाँ पे कोडाई लेक में बोटिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कोडाईकनाल बहुत ही सुंदर है, अपनी झीलों के लिए फेमस है जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे कोडाई लेक में आप बोट करें, कोडाई लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की बोट्स हैं, जैसे पैडल बोट, सिंगल बोट, डबल बोट, और कश्मीरी बोट्स भी हैं, जिससे कि आप हनीमून बोट्स जिनको बोलते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। तो आराम से यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे करके लेक के चारों ओर बिल्कुल ठंडे माहौल में आप बोटिंग कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और तो मतलब 60 रुपये से स्टार्टिंग है अलग अलग बोट, तो 2 लोगों के लिए 120 होगी। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही अच्छी जगह है जिसको बोला जाता है कोकर्स वॉक। ये एक कर्नल लेफ्टिनेंट कोकर्स थे, उनके नाम पे ही ये इसका पूरी ट्रेल है, एक रास्ता बनाया गया है, उस पर आप जा सकते हैं। 100 रुपये इसका टिकट है इसमें एक तरफ का जाने का, एक तरफ फेंसिंग लगी, और बहुत ही सुंदर पहाड़ी पे एक बिल्कुल वॉक करने के लिए लोगों के लिए, ताकि लोग इसका व्यू देख सकें, बनाई गई है। ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, आप पैदल जा सकते हैं इसमें, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिल लेके साइकिल से जा सकते हैं। तो इतना सुंदर, और मॉर्निंग टाइम में आप जाएंगे तो यहाँ से पूरे सिटी का व्यू दिखता है, बादल, और बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो ये बिल्कुल स्लीपी है, और थोड़ा बारिश हो जाती है तो ये बहुत स्लीपरी हो जाता है, तो उसका ध्यान रखें आप। बहुत अच्छी जगह है, आपको यहाँ से बिल्कुल व्यू दिखेगा, और जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी।
इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं पिलर्स रॉक, ये दोस्तों जिसको जैसा कि नाम से ही लग रहा है और आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये दो पिलर्स हैं आपस में जुड़े हुए, और इसको इसके लिए एक बहुत ही लव स्टोरी भी यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है, और ये 400 फीट ऊंची ये दोनों पहाड़ियाँ हैं, और दोनों एक साथ हैं, पिलर जैसी जैसी खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम दोस्तों कोहरा लगा रहा है, तो और आप कोहरे के बीच में रहेंगे, और फोटोग्राफी करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। और इसके बीच में जो जगह थोड़ा, दोनों जो पिलर्स के बीच में जगह को डेविल्स किचन कहा जाता है, और इतना सीनरिक है, फोटोग्राफी के लिए बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, तो इस जगह पे जाके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉल है जिसको सिल्वर कैस्केड कहा जाता है, ये जब आप कोडे कनाल को जाते हैं उसके रास्ते में ही बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, बहुत तेज़ धाराएं होती हैं इसकी। वैसे तो आपके पूरे कोडे कनाल में इतने सारे वाटरफॉल हैं, तो आप जाते जाते थक जाएंगे, ये उनमें से एक ये रास्ते में पड़ता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, और 1 घंटा करीबन आप इसमें बिता सकते हैं। आसपास खाने की स्टॉल्स वगैरह आपको मिलेंगी उससे पहले, तो वहाँ पर आप जाके आराम कर सकते हैं, ये भी अच्छी जगह, तो इसमें जाने का कोई प्राइस नहीं। इसके अलावा एक और जगह है दोस्तों जिसको बोलते हैं गुना केव्स, और एक्चुअली में जो एक्चुअल गुना केव्स थी, गुफाएं थी, वो तो आप बंद कर दी गई है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो जो उसका रास्ता है आप बाहर से गुफाएं देख सकते हैं। और यहाँ पे एक खास बात क्या है कि जो पेड़ है और पेड़ की जड़ें आपको दिखाई देंगी, कि पेड़ इतने ऊंचे आ गए और पेड़ की जो जड़ है वो ऊपर जमीन से ऊपर आ गई, तो वो रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है, रास्ता बहुत शानदार है, और पेड़ थोड़ा स्लिपरी रास्ता है, और चारों तरफ आपको एक घाटी दिखेगी, और बहुत सुंदर व्यू होता है, और रिलैक्स है, बहुत ही दूर है, ये थोड़ा सुदूर है, यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो आप देख सकते हैं इस जगह को भी। इसके अलावा दोस्तों एक और जगह आप जा सकते हैं जिसको बोलते हैं मोयर पॉइंट, इसका भी टिकट कुछ नहीं है, पर इसका ये 10 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सिटी से दूर है, आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, और 1 घंटा लगेगा आपको उससे जाने में, आपको उसके बाद 200 किलोमीटर पहाड़ी में वॉक करना पड़ेगा। रोड वन वे रोड है, सिंगल रोड है, थोड़ी सी टफ है, ड्राइविंग टफ होती है यहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों को चूम रहे हैं, या बादल आपसे नीचे होंगे, इतनी ऊंचाई पर यह जगह है। और खाने पीने के लिए काफ़ी सारे स्टॉल बने हैं वहाँ, आप 1 से 1.5 घंटा बैठ के आराम से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल 20 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मियों के टाइम में। और एक छोटा सा पार्क भी बना है इस चोटी पर, तो यहाँ जरूर जाएँ आप। रास्ता थोड़ा सा टफ हो जाता है जैसे जैसे आप इसकी तरफ को, चोटी की तरफ को पहुँचते हैं, तो ड्राइविंग खुद से ड्राइव कर रहे हो तो ध्यान से जाइएगा। इसके अलावा एक और म्यूजियम है जिसको सेन बिंगोर म्यूजियम कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पौधों की, पेड़ पौधों की, हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रजातियाँ मिलेंगी। अगर आप साइंस, बॉटनी और प्रकृति के प्रेमी हैं, तो इस म्यूजियम को जरूर देखें। यहाँ पे आपको आराम से 10 रुपये फीस है सिर्फ इसकी, तो 1 घंटा करीबन आप देख सकते हैं। और एक और फॉल है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, जिसको कि पेम्बर फॉल कहते हैं, ये बहुत ऊंचा नहीं है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और नहाना हो नहा सकते हैं, तो इसकी कोई प्राइस नहीं है, ये जा सकते हैं। कुरुंजी मंदिर आप जा सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, ये भगवान मुर्गा का मंदिर है, और जिसको कहा जाता है कि पहाड़ों के देवता, तो इसकी बहुत मान्यता है लोकल्स में। इसके आसपास हैंडीक्राफ्ट के बहुत शोरूम है, लोकल आप सामान देख सकते हैं, बहुत ही पुराना मंदिर है, इसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है, तो यहाँ भी आप आराम से 1 घंटा 1 से 2 घंटा बिता सकते हैं, आसपास की मंदिर में आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद चेतियार पार्क भी आप जा सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। चेतियार पार्क एक छोटा सा बहुत ही वेल मेंटेन पार्क है, फोटोग्राफी के लिए एकदम हेवन है, जो इसकी
पौधों की कटिंग की गई है, इतनी अच्छी तरीके से ट्रिमिंग की गई है, और आसपास खाने के स्टॉल्स हैं, फूड के स्टॉल्स हैं पार्क के बाहर, तो वहाँ आप आनंद ले सकते हैं। तो आराम से यहाँ भी आप जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं, देख सकते हैं। डॉल्फिन नोच, जैसे कि इसके नाम से, ये डॉल्फिन के आकार की एक पहाड़ी है, यहाँ आप जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, यहाँ से भी बहुत शानदार व्यू दिखता है। ये एकदम पहाड़ी के किनारे पे है, तो पूरी घाटी का व्यू दिखता है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा ऊपर, यहाँ कैलकुलेटर में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको हर कोई चीज़ दिखाई देगी कि कितना कितना आपने प्राइस किया, तो ये अपडेट हो रहा है सारी की सारी। अगर आप जो खर्चा आपने नहीं करना चाहते हैं, इसमें से कई जगह नहीं जाना चाहते हैं, तो ये प्राइस कम हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर अपना ट्रैवल मोड यहाँ से चेंज कर देंगे, या आप अपने दिन कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, अगर मैं 3 दिन बढ़ा दूँ तो यहाँ इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या 1 दिन बढ़ाऊँ तो कॉस्ट ये रहेगी 8,000 रुपये। तो ये कैलकुलेटर है जो आपको सब बता रहा है कि आपका एक एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा। इसमें जो सारा डेटा होता है वो काफ़ी ऑथेंटिक रिसर्च करने के बाद अपडेट किया जाता है, और ये सारा ऑथेंटिक डेटा है, और टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखो, मैं यहाँ पे अगर इसको स्लीपर में कर दूँ तो आपकी कॉस्ट और कम आ जाएगी। तो ये ट्रैवल कैलकुलेटर आपको मदद देगा कि आप कैसे प्लान करें और कौन सी जगह जाएं, क्या करें वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हो ट्रैवल से रिलेटेड, तो यहाँ ये कमेंट सेक्शन है, इस पर भी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। कुछ करना हो आप अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे इसका लिंक शेयर करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं सिंपली व्हाट्सएप पे इस पर क्लिक करके। तो ये था, तो आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।